जी और लालू जी के परिवार को अपराध को बोलने का अधिकार है क्या? लालू जी तो ऐसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। दूसरा कोई 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में लालू जी का भाग करता था, भाजपाई सांसद हुआ करते थे। आपके आशीर्वाद से अभी 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। 2025 के चुनाव में बिहार ने बड़ी से बड़ी ताकत बनकर बिहार में सरकार बनाने का काम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है, बड़ा मंत्र दिया है, कैसे संगठन को मजबूत करना है इसके बारे में उन्होंने बताया है, और 2025 के विधानसभा चुनावों में एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कार्यकर्ताओं के लिए कि कार्यकर्ता बूथ लेवल तक अपने आप को मजबूत करें, और बिहार में 2010 वाले चुनावी नतीजे उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए, यानी कि 200 पार का नारा दिया गया है, क्योंकि 2010 के चुनावों में 200 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को आई थी। ऐसे में इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके, इसलिए ये नारा दिया गया है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार बिहार में डिप्टी सीएम है। ऐसे में उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा है और बड़ा मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को, मजबूती होने का मंत्र दिया है, और से और मजबूत हों और 2025 के विधानसभा चुनावों में 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ा जा सके। तो क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। कानून का राज खत्म हो रहा है, अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध को बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो ऐसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, दो दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का लोग ही निकला। आप सोचिए साथी कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रति इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए, 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली ही थी, राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रशिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तक करा के राष्ट्रपति से, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था, यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं तो बहुत बार कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साहब, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4,000 करोड़ रुपया का सहयोग किया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। और 2005 के बाद जब एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, तब वो पैसा विशेष पैकेज के तौर पर जो बिहार को मिला था उसको खर्चा करने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया। उसी तरह 2004 से लेकर 2014 तक
इस देश में लालू जी का भाग चलता था, 22-22 सांसद हुआ करते थे, केंद्र की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते, कोई पैकेज नहीं दिया, कोई विशेष सहायता नहीं दिया। लेकिन जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, आपको याद होगा साथियों, 1,25,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज बिहार को देने का काम किया, जिसे आप बोलने और सारी जगह हॉस्पिटल बनने का काम किया। और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और बिहार में जो विकास की गति है इसको दुगनी करने का काम हम लोग सभी साथ करने का काम करेंगे। इसलिए आप तमाम विस्तृत कार्य समिति में सभी सदस्य आए, सभी माननीय मंत्री भी बैठे हैं, सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं। पूरी संगठन की संरचना नीचे तक और मजबूत करना है और 2025 में संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में पिछले बार 127 सीट हम लोग बिहार में जीत कर आए थे, इस बार हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार एनडीए तोड़ने का काम करे साथी। और ये तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से अभी 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया, आरजेडी को 4 सीटों पर रोकने का काम किया और पूरे प्रदेश में हमारे संगठन के लोग लगातार बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक सभी लोग काम करते रहे, जिला स्तर पर सभी बैठकें करते रहे, सारी संरचना हमारी काम कर रही है। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस विस्तृत कार्य समिति के बैठक के माध्यम से हम जरूर ये पूरी तरह तैयारी शुरू कर दें कि हमको हर हालत में 2025 के चुनाव में बिहार में बड़ी से बड़ी ताकत बनकर बिहार में सरकार बनाने का काम करता है। इसलिए आज सभी साथी यहाँ पर आए, सभी हमारे प्रदेश के नेता यहाँ उपस्थित है, हमारे प्रदेश के सभी प्रमुख नेता भी यहाँ उपस्थित हैं, प्रदेश के जिले के सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां साथ बैठे हैं, उनके हमें गौरव लग रहा था, हमको लग रहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था, उसको पुनर्वासित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आगे भी सपना है साथियों, अभी नालंदा बनाया और एकदम संकल्पित है हम लोग अगले 5 वर्षों में जो नालंदा बना है उसी तरह विक्रमशिला को भी बिहार में स्थापित करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप संगठन के लोग एक एक नीचे की व्यवस्था को ठीक करते हुए और लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। किसानों की चर्चा, लोग सिर्फ किसानों की चर्चा करते थे लेकिन किसान की समस्या का निदान करते थे, किसानों के प्रति संवेदना जरूर व्यक्त करते थे लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, किसी सरकार ने 40,000 करोड़ किया इस देश में माफ करने का ढोंग करने का काम किया साथी, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 3,60,000 करोड़ रुपया देकर सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपया पहुंचाने का काम किया साथियों। ये है विकास, अब कोई खाद के लिए चिंता नहीं करता। इसलिए साथियों आज हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से, इस कार्य विस्तृत कार्य समिति में इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है आग्रह करके कि एक एक चीजों को नीचे की व्यवस्था को खड़ा करना है, जिसका मार्गदर्शन आपको आदरणीय भिक्कू भाई साहब बताएंगे कि आगे संगठन के और चीजों को आगे किस तरह काम बढ़ाना है और साथ ही साथ बिहार में जो भूत की व्यवस्था उसको और सुदृढ़ करने का काम करना है। अभी हम लोग आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में 1,90,00,000 परिवार बिहार में गरीब है, इनको दो व्यवस्था, यहां मंगल जी बैठे हैं, हम लोगों ने दो व्यवस्था खड़ा किया,
एक तो सरकार ने सभी लोगों को, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने सबको खाने के लिए अनाज देने का काम किया था। अनाज उनको मिलता है कि नहीं, गरीबों को पक्के मकान है कि नहीं है। और तीसरा जो सबसे आसान है, हम लोगों ने इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसका 5 लाख का इलाज भी कराने का व्यवस्था कर दिया है। सभी बूथ अध्यक्ष चिन्हित करके हमने युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह किया, इसमें लगिए। अभी तक हम लोगों ने 95 लाख लोगों का ही नाम जोड़ने का काम किया था। बीच में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जो मंगल जी ने पिछले दिनों इसकी पूरी व्यवस्था शुरुआत किया। आज लगभग 3 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कार्ड दिया है। और आज ही हमने देखा कि एक पूरा विस्तृत एक पेपर में विज्ञापन निकला है कि 18 तारीख से अभियान चलेगा। और आज ही के दिन से यहाँ मंगल जी ने अभियान चलाया है, एक एक गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड दिलाइए और 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी और नीतीश कुमार जी का देने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, हम वो पार्टी नहीं है जो अपने विचारधारा से बदल जाए। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो ये मजदूर है कि मुस्लिम पर्सनल लोग ट्रिपल तलाक का विरोध करता है, इसलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन हमारे यहां मानवता की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको भी जोड़ना चाहिए। कि कल तक आप जोड़ते थे कि सिर्फ ट्रिपल तलाक और 4 शादियां करने का अधिकार है। अरे शरिया कानून लाइए। यदि शरिया कानून में यह लिखा है कि जिसने बलात्कार किया उसको ढेला से मारकर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या करना है, और जो छेड़छाड़ी का काम करता है उसके हाथों को काटने का काम करना है, तो आप शरिया कानून पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते हो? लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करने का काम करो, आधा अधूरा मत करो। हम लोग इसके समर्थक है, जिस धर्म में जो लिखा है उसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करो। हमारे भगवान राम ने तपस्या दिखाने का काम किया, उनके सगे पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है, तो प्रभु श्री राम ने सहृदय शिकार करके 14 साल तक वनवास काटने का काम किया। और भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया, भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अन्याय को नहीं सहना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी लड़ते रहना, ये सारे हमारे धर्मों में उपस्थित है। इसलिए साथियों, हम जरूर आग्रह करेंगे और विस्तार से चीजें आए, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है साथियों, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार, हम दोनों को चलाने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरह बिहार किस तरह स्थापित हो, विकसित भारत बने, बिहार कैसे आगे बढ़े, कैसे बिहार सुंदर हो, इसकी कल्पना भी हम लोगों को लाना है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी कई हाईकोर्ट सत्र खड़े करने हैं, यहाँ संजय जायसवाल जी बैठे हैं, ये रक्सौल की लगातार लड़ाई लड़ते रहे। रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, भागलपुर है, ये उड़ान योजना में हम लोगों ने स्वीकृत करने का काम किया है। और इसके बाद भी चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, मुंगेर हो, या टिहरी हो, या राजगीर हो, इसको भी राज्य सरकार अपने फंड से इस एयरपोर्ट को भी निर्माण कराने का काम करेंगे साथियों, ये पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया है। और इसी तरह डबल इंजन की सरकार ने अभी तक अर्बन पॉलिसी के तहत हम लोग नहीं बढ़ पाए थे। हम लोगों ने अभी 2-3 चीजों पर फोकस किया है, चाहे वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो की कल्पना हो। 2014 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। तो 2025 के चुनावों को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा ऐलान किया है कि 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ा जा सके और पार्टी को मजबूत किया जा सके, बूथ लेवल तक और मजबूत किया जा सके, इसका मंत्र दिया है उन्होंने कार्यकर्ताओं को। और साफ साफ कहा है
कि 2010 में जिस तरीके के नतीजे आए थे, आपको बता दें कि 2010 में बीजेपी को 90 से अधिक सीटें मिली थी, वहीं जेडीयू को 115 सीटें मिली थी और एनडीए को पूरे बिहार में 200 से अधिक सीटें मिली थी। ऐसे में एनडीए को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है, साथ ही साथ कहा है कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। ऐसे में 2010 वाला रिकॉर्ड क्या बीजेपी तोड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर कुछ को लाइक करिए।